पहली बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स दे रहा हूँ सर, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करूँ? इस प्रकार के उदास चेहरे के साथ, उदास भावनाओं के साथ मुझे रोज मैसेजेस आते हैं। तो जितने लोग भी पहली बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर 8-9 महीने हुए हैं जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए हैं, ये उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, मैं जो ऑप्शन आएंगे मेन वो ये है कि पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो फिर भी पढ़ लो, असंभव हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एटलीस्ट पढ़ लो, अगर फिर भी असंभव हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे मिलो। फिर भी असंभव हो तो सुनो, समझो, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है मेरे भाई, और 90% चांस है कि प्रीलिम्स तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, ठीक है? अब ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड चलो। डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यूड। देखो, प्रीलिम्स अगर क्लियर हो भी जाएगा तो मेंस में अटकोगे, मेंस भी अगर क्लियर हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 के आसपास रैंक आ गई। उसके बाद क्या होगा कि डीसी वाला एक सपना ही रह के रह जाएगा, कोई क्लास 3 जॉब में आप रह जाओगे जिसमें आप दिन भर 10 से लेके 5 या फिर हो सकता है सुबह 9 से लेके रात के 9, और कभी कभी हो सकता है कि सैटरडे संडे 15-20 दिन आपको लगातार काम करना पड़े। ऐसे में ये हो जाएगा कि जिंदगी भर यही आप सोचते रह जाओगे कि प्रीलिम्स क्यों क्लियर हुआ। ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ है जो एक फर्स्ट टाइमर के साथ हो सकता है, जो को 8-9 महीने प्रिपरेशन वाला है, उसके साथ ये है कि जो पहला प्रीलिम्स उसका क्लियर हो जाए। अगर उसका पहला प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो उसके साथ यही चीज़ होगी, या तो वो मेंस में अटकेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 के आसपास रैंक लाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 3 जॉब में रह जाएगा। इसके बाद 99% लोग उसके बाद अपनी पोस्ट अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। फैमिली ऑब्लिगेशन, रिश्ते नातेदारी, सैलरी आना जेब में, अपने ट्रिप्स प्लान करना, ये सब हो जाता है, वो सेम डेडिकेशन नहीं रह जाता है जैसा अनएम्प्लॉयमेंट वाले फेज़ में फुल टाइम प्रिपरेशन करते टाइम रहता है। ये तो बात हो गई डिसअपॉइंटमेंट। इसके बाद अंतिम ज्ञान क्या है सुन लो। अंतिम ज्ञान ये है कि जितना हो गया है उससे थोड़ा ज़्यादा कर लो जनवरी एंड तक, ठीक है? मेक श्योर एटलीस्ट CGGS तो हो जाए, ठीक है? बाकी तो जो है वो तो बाद में ही निपटेंगे। 8-9 महीने में, जस्ट अंडरस्टैंड, 8-9 महीने में अगर सिलेबस पूरा ही हो जाता ह्यूमनली पॉसिबल, तो आज हर चौक में बैठे भैया DC होते और पान वाले ठेले में दिन भर सिगरेट नहीं पी रहे होते, ठीक है? ये बात समझ लो। बी पेशेंट, तैयारी एक बार ही होती है, भले प्यार दोबारा हो जाए, ठीक है? खासकर लड़के सुन लो, तैयारी एक बार होती है, भले प्यार दोबारा हो जाए। कॉन्सेप्ट्स भी एक बार बनते हैं, उसके बाद तो सिर्फ रिविजन्स होते हैं। अगर अभी आनन फानन में कोई भी बुक पढ़ के आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगेगा मेरा तैयार हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी, उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, अगले प्रीलिम्स में फेल हो जाओगे, अगले मेंस में फेल हो जाओगे। जस्ट रिमेम्बर, तैयारी एक बार ही होती है, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन ही होते हैं मेरे भाई, ठीक है? ये बात समझ लो। देखो, बी पेशेंट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब ये है कि आपका अभी CGPSC का जो ताजमहल है वो एक दिन में नहीं बनने वाला है। जस्ट बी पेशेंट, जस्ट वेट पेशेंटली। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, जस्ट नो डैट कि ये भगवान का एक प्लान है आपको सही जगह ले जाने के लिए। मैंने भी यही सोचा था जब मेरा प्लेन्स पहला क्लियर नहीं हुआ था कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी सेंड बाई गॉड कि मैं अपना मेन्स इम्प्रूव कर सकूँ। और जब पहली बार मैंने मेन्स लिखा फाइनली 2019 की PSC में, तो रैंक लग गई। तो जस्ट बी पेशेंट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और दोस्तों, जो व्यक्ति विपत्ति के सामने खड़े होके मुस्कुरा दे, वही साधु। तो आप लोगों को साधु बनना है दोस्तों, जस्ट बी अ मॉन्क, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, विपत्ति हो, बहुत बड़ा त्यौहार हो, सब में समान भाव रखो, जस्ट बी पेशेंट। प्रीलिम्स क्लियर होता है तो पढ़ेंगे, नहीं होता है तो फिर भी पढ़ेंगे, और बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो बस साधु बन जाओ, ये वाला साधु नहीं कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ।